नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित दूसरी कहानी है पर्दा। ये यशपाल की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक मानी जाती है। इस पर्दा कहानी में एक पारिवारिक और एक सामाजिक सरोकार को एक चित्रण चरित्र करने में कहानीकार ने अपनी एक सफलता हासिल की है। तो हमने बीते कक्षा में देखा जो इस कहानी का प्रमुख नायक है पीर बख्श के परिवार में कुल 8 लोग रहते हैं। पीर बख्श की माँ, पीर बख्श की पत्नी और पीर बख्श के 3 लड़कियां और पीर बख्श के 2 लड़के। तो देखिये, मुंशी पीर बख्श मंथली 12 रुपए तनख्वाह में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 15 साल में उनकी तेल के मिल में एक मुंशी बनकर काम में उनकी 15 वर्ष के बाद 18 रुपए तनख्वाह होती है। तो परिवार में कुल 8 लोग होने की वजह से परिवार को चलाना 18 रुपए में उनके जीवन में बहुत से तंगियां महसूस करना पड़ता है। तब उन्होंने किस प्रकार जैसे घर के कुछ वस्तुओं को गिरवी रखकर सूद के समेत कर्ज लेकर अपने परिवार को चलाने लगते हैं, लेकिन केवल उनकी घर की इज्जत पर्दा एक ही उनकी इज्जत थी। मोहल्ले में उनकी इज्जत थी, गांव में इज्जत थी, लेकिन परिवार चलाने में वो असमर्थ महसूस करने लगते हैं। तो देखिए किस प्रकार वो किराया के घर में थे। वो किराए के मकान का मालिक का नाम है सरजू पांडे। मंथली 2 रुपए किराए देते थे महीना, और अंत में वो परिवार को चलाने में ना सफल होने से कर्ज लेकर अपने जीवन में परिवार को चलाने में सक्षम बन जाते हैं। केवल 18 रुपए में जीवन चलाना, परिवार को चलाना नामुमकिन होता है। तो देखिए केवल परिवार में खाने का, एक वक्त का खाने का उतना ही इंतजाम था। परिवार के लोगों के लिए नए कपड़े खरीदने में भी उनके हाथ में पैसा नहीं था। तो गिरवी रखने के लिए घर में सब कुछ भी न हो, गरीबी एकमात्र सहायक है। जो घर में चीजें थे सब कुछ उन्होंने गिरवी में रख दिया। तो केवल उनके पास एक गिरवी रखने के लिए चीज आए, वो केवल गरीबी है। पंजाब खान रहने की जगह भर देकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की जरूरत आ पड़ी। तो उस मोहल्ले में एक पंजाबी खान रहता है, उसका नाम है पंजाबी बब्बर अली खान। तो वो बहुत पैसे वाला था, लोगों को कर्ज देता। अगर समय पर उसका सूद और रकम न देने से क्या करता, जैसे उनके मकान में से घर में की जो भी चीज रहते लेकर अपने पास गिरवी रख लेता। लोग उससे कर्ज लेने से डरते, लेकिन जब उनका छोटे बेटे का जन्म होता है, लड़का बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को पैसों की जरूरत थी। कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी बब्बर अली के खान 4 रुपए का कर्ज लेते हैं। जब छोटा बेटा जब बरकत का जन्म होता है तो उन्हें पैसों की जरूरत होती है। तो मुंशी पीर बख्श क्या करते हैं, पंजाबी बब्बर अली खान के पास 4 रुपए का कर्ज लेते हैं। बब्बर अली खान का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। तो उसका रोजगार था सितवा के मोहल्ले में। जब मुंशी पीर बख्श रहते हैं उसी मोहल्ले में, जैसे उसका अच्छा खास रोजगार था। बीकानेर के मोची, वर्कशॉप के मजदूर, कभी कभी रमजानी धोबी, सभी बब्बर मियां से कर्ज लेते रहते थे। जो परिवार के आर्थिक हालात से मजबूर होकर जो वहां मजदूर थे, जो धोबी थे, जो मोचे थे, जो गरीब मजदूर, उससे क्या करते थे, कभी कभी पंजाबी बब्बर अली खान से कभी कभार कर्ज लेते थे।
कई दफे चौधरी पीर बख्श के बब्बर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के दंडे से रूनी का दरवाजा पीटते देखा था। जैसे मुंशी पीर बख्श अगर बब्बर अली खान का जो उसके पैसे और सूद समेत न लौटाने से दंडा लेकर उन लोगों के घर जाकर क्या करता, जैसे जैसे लड़ाई करता, गालियां देता, जैसे ऐसे हालात को भी उन्होंने देखा था। उन्हें साहूकार और रूनी के बीच बेचुल भी करना पड़ता। खान को तो शैतानी समझते थे, कई साहूकार के पास जाते, कई जमींदार के पास जाते, कई मारवाड़ी के पास जाते, कई ब्राह्मण के पास जाते, लोग पैसा लेते हैं, लेकिन बब्बर अली खान के पास पैसे कर्ज से लेने से लोग कतराते डरते थे। लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेने पड़ी, जो अंत में मुंशी पीर बख्श को जब उनके छोटे लड़के का बरकत का जब जन्म होता है तो पैसों की जरूरत होती, लाचार बेबस होकर वो क्या करते हैं, जैसे पंजाबी बब्बर अली खान के पास 4 रुपए लेते हैं। पड़े 4 अना रुपए महीने पर 4 रुपए का कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बब्बर अली ने 1 रुपए माहवार की किस्त मान ली। तो देखिए बब्बर अली खान के पास उन्होंने 4 रुपए सूद के मुताबिक ली और माहवार 1 रुपए चुकाने का वादा भी उन्होंने किया। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। तो देखिए कुल 8 महीने में मुंशी पीर बख्श पंजाबी बब्बर अली खान को 8 महीने में पूरे कर्ज में लौटाऊंगा कहते उन्होंने प्रॉमिस कर उसके पास 4 रुपए कर्ज लेते हैं। खान की किस्त न दे सकने के हालात में अपने घर के दरवाजे पर फजीयत हो जाने की बात ख्याल कर चौधरी रो खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करने की भी किसी तरह से किस्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई बाजारा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा। तो मुंशी पीरबख्श ने पंजाबी बब्बर अली खान का 7 महीने तक कर्ज देते गए, लेकिन जब बारिश के महीने प्रारंभ हो गए, जो घर भी चलाना था, परिवार को चलाने भी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, तब उस वक्त बाजार में हर सब्जियां हर चीजें महंगी होते चली गई, किस्त देना असंभव हो गया। कुछ किस्त ने इंस्टॉलमेंट हफ्ता कहते हैं, तो किस्त देना उनके हाथ से असंभव हुआ। खान 7 तारीख के शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छुआ और अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने मुआफी चाही। अगले महीने 1 का सव्वा देने का वायदा किया। खान टल गया। जब खान बब्बर अली खान आया, जब 8वें महीने में उन्हें किस्त न देने से, तब मुंशी पीर बख्श उनकी दाढ़ी पकड़कर कसम खाई, मैं अगले महीने आपके सूद समेत आपका कर्ज लौटाऊंगा, 1 रुपए के बदले 1.25 रुपए दूंगा कहते हुए प्रॉमिस करता है। भादों में हालात और परेशानी हो गई। बच्चों की मां की तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी। जो बेटे को जन्म दी थी उनकी पत्नी, हर दिनों दिन पत्नी और बच्चे के हालात खराब होने लगी। खाया पिया उसके पेट न ठहरता। जो भी बच्चा वो माँ खाते हैं उनके पेट न ठहरता, उनकी तबीयत खराब होने लगी। पत के लिए उसकी गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया। जो पत करने के लिए क्या हुआ, जैसे गेहूं की रोटी की जरूरत थी, गेहूं मुश्किल से रुपए का सिर्फ 2.5 सेर मिलता था उस समय, 1 रुपए का केवल 2.5 सेर गेहूं मिलता। बीमार का जी ठहरा, कभी प्याज के टुकड़े धनी की खुशबू के लिए मचल जाता, कभी प्याज खरीदना पड़ता कभी धनी की खुशबू के लिए, कभी पैसों की सौफ अजवाइन काले नमक की जरूरत हो तो पैसे की कोई चीज मिलती ही नहीं, तो ये अजवाइन हो कोई प्याज हो, जैसे हर रूप में खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। चौधरी को 2 रुपए महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपए साफ से निकल गए। तो देखिए 2 रुपए महंगाई भत्ता मिल गया, फिर भी जैसे उनकी तनख्वाह मिलती केवल 4 रुपए साफ में निकल गए। जितना भी तनख्वाह आती परिवार के खर्च में निकल जाते। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से हो गए थे। घर में 1 वक्त का खाना जुटा पाते थे मुंशी पीर बख्श।
चौधरी कभी गली से दो पैसों की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबालते, सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बाजरा उबालकर सब परिवार के लोग कटोरा कटोरा पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपए में से 1.25 रुपए खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई। तो 4 रुपए तनख्वाह मिली, 1.25 रुपए वो बब्बर खान को देना चाहा, लेकिन मील से घर लौटते समय वो मंडी की ओर टहल गए। मंडी यानी मार्केट, बाजार में चले गए उनसे पीर पक्ष। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा, अनाज की गठरी लेकर वे घर पहुंच गए। खाने बच्चों के लिए, घर में खाने के लिए एक दाना तक अनाज नहीं था, तो 4 रुपए लेकर मंडी में पहुंचे, थैली भरकर बाजार कर घर के तरफ लौटे। खान के भय से दिल धक धक धड़क रहा था, और दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे उनकी माँ का दूध न उतर सकने के कारण सूखकर काटे हो गए थे। और घर में 4 बच्चे थे, तो देखिए माँ के दूध न पीने से फाके होने लगे बच्चे, और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ माँ के भूख से बिल बिलाते सूरते आंखों के सामने नाच आती। भूख से तड़पने लगे बच्चे, और जो बच्चे को जन्म दी उनकी माँ, उनकी पत्नी भी जैसे भूख से उनकी आंखें गड़ी हुई थी। धड़कते हुए हृदय से वे कहे जाते हैं, मौला सब देखता है, खैर करेगा, भगवान देख रहा है सब खैर, हमारी मदद करेगा। कहते हुए पीर बख्श अपनी पत्नी और बच्चों को दिलासा देते। 7 तारीख के शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी की मिल जाने से पहले अपना दंडा हाथ में ले दरवाजे पर मौजूद हो गया। देखिए किस प्रकार, जैसे पंजाबी बब्बर खान 7 तारीख को तनखा होती थी किसकी, मुंशी पीर बख्श की। सुबह मॉर्निंग जब वो मील जाने से पहले मॉर्निंग 8 बजे मुंशी पीर बख्श के घर दंडा लेकर पहुंच जाता है। तो किस प्रकार, जैसे देखिए इस कहानी के माध्यम से, जैसे पर्दा इस कहानी के अंदर यशपाल जी ने किस प्रकार गरीबी, बेरोजगारी, जैसे आर्थिक तंगी, एक सामाजिक समस्याएं, एक पारिवारिक समस्याओं को जैसे इस कहानी के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने कथा को प्रस्तुत करने की सफलता हासिल की है। तो किस प्रकार जैसे मुंशी पीर बख्श के परिवार में उनकी माँ, उनकी पत्नी, 3 लड़कियां 2 लड़के, एक 8 लोगों का जो एक परिवार था, उनका बड़ा सा परिवार, केवल 18 रुपए मील से मिलने वाली तनख्वाह से उनका जीवन गुजारा जैसे नामुमकिन था। इसीलिए उन्होंने जैसे घर की हर चीज को गिरवी रखकर परिवार को चलाया, लेकिन जब उनके एक बेटे का बरकत का जन्म होता है तो पैसों की बहुत जरूरी थी, तब उस वक्त उन्होंने पंजाबी बब्बर अली खान से 4 रुपए को कर्ज लेते हैं सूद समेत, और मंथली 1 रुपए और सूद समेत लौटाने का जैसे उसे वचन देते हैं, 7 महीने तक लौटाते हैं, लेकिन 8वें महीने में लौटाने में असफल होते हैं। परिवार के अंदर एक वक्त का खाना जुटाना भी उनके लिए नामुमकिन था। ऐसे आर्थिक हालात में जैसे मुंशी पीर बख्श अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं परिवार के साथ। तो उसी 7वें तारीख के दिन बब्बर अली खान जैसे डंडा लेकर सुबह 7 बजे जैसे मुंशी पीर बख्श के घर आकर उपस्थित होता है। तो आगे क्या होता है तो हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आप सभी को धन्यवाद।